हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ, जो आपकी बिहार में वैकेंसी आई है। बिहार शिक्षा परियोजना बेगूसराय की ये वैकेंसी है। कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये आपकी वैकेंसी आई है। तो इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज़ है, जिसमें वार्डन सर शिक्षिका के लिए है, शिक्षिका अंशकालीन शिक्षिका के लिए है, भाषा भी यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी अंग्रेजी सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे अच्छे से कि कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या क्या आपका पोस्ट है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है और कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्या आपका सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर होगा, कौन के मतलब कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस में एग्ज़ाम होगा, किस में एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे डिटेल। तो उसके पहले बता दूँ, मेरे चैनल का मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें विद द लाइक ऑन फॉलो नोटिफिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है और जो आपकी किस में कितनी वैकेंसी है। तो वार्डन सह शिक्षिका के लिए जो है आपकी यहाँ पे वैकेंसी 11 पोस्ट है। इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है स्नातक है, आपने ग्रेजुएशन किसी भी विषय में किया होगा तो आप फॉर्म भर सकेंगे। और वांछनीय प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बीएड आपका होना चाहिए और शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आपने उत्तीर्ण किया होगा तो अच्छी बात होगी। और उसमें जो है आपके जो कोटिवार यहाँ पे ये जो है महिलाएं ही इसे भर सकती है वार्डन सह शिक्षिका के लिए। यहाँ कोटिवार रिक्तियाँ दी हुई आप इसे देख सकते हैं, यहाँ मानदेय भी दिया हुआ आप इसे देख सकते हैं। और दूसरा है अंशकालीन शिक्षिका के लिए, इसमें भी आपकी 13 वैकेंसी है। इसमें आपने स्नातक हिंदी अंग्रेजी से किया होगा तो आप फॉर्म भर सकेंगे। फिर वांछनीय प्रशैक्षणिक योग्यता भी यही है आपका सेम, और उसमें भी आपकी मानदेय 7,000 है और ये भी महिला कैंडिडेट के लिए है। अंशकालीन शिक्षिका विज्ञान और गणित के लिए भी आपका स्नातक आपका डिग्री होना चाहिए, रसायन जीव विज्ञान भौतिकी या गणित में किन्हीं 2 विषय में आपने उत्तीर्ण हुआ पास की होगी परीक्षा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये भी महिला कैंडिडेट के लिए है। और अंशकालीन शिक्षिका सामाजिक विज्ञान के लिए आपकी 9 वैकेंसी है, जिसमें स्नातक आपका इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र किसी 2 विषय में आपका आप उत्तीर्ण हुए पास हुए होंगे, जो 1 विषय आप अनिवार्य या इतिहास या भूगोल हो सकता है आपका। तो ये आपका जो ये शैक्षणिक योग्यता ये भी महिलाओं के लिए ही है। और जो आपकी उसके बाद तो आपका जो दूसरा मतलब पांचवा जो आपका वैकेंसी है लेखपाल सह सहायक के लिए, तो इसमें आपकी 14 वैकेंसी है, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईकॉम या बीकॉम आपने किया होगा, कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये महिला पुरुष दोनों के लिए है। 5800 आपका वेतन है, यहाँ पर वेतनमान जो बेसिक है। आदेश पाल के लिए जो आपकी है यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक उत्तीर्ण है, जो आपने 10th पास किया होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपकी 14 वैकेंसी है और ये महिला पुरुष दोनों के लिए है। और चौकीदार और रात्रि प्रहरी के लिए आपकी 12 वैकेंसी है, मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए यानी मैट्रिक पास आपने किया होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये भी महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट के लिए है। मुख्य रसोईया के लिए जो है आपकी ये आपकी 13 वैकेंसी है, जिसमें आप फिफ्थ पास किया हुआ या मैट्रिक पास किया होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन 5th है, 5वीं पास आपने किया होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। महिला कैंडिडेट के लिए है ये। सहायक रसोईया के लिए भी आपका 27 वैकेंसी है, इसमें भी आपका मिनिमम 5वीं यानी कि आपने 5th पास किया होगा या मैट्रिक उत्तीर्ण किया होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये भी महिला कैंडिडेट के लिए ही है। तो ये आपका टोटल वैकेंसी हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी आयु सीमा क्या है। तो मिनिमम जो है आपका 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, और जो मैक्सिमम है अधिकतम जो आपके पुरुष कैंडिडेट के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ी वर्ग अति पिछड़ी वर्ग और अनारक्षित जनरल महिला कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष है। आप जो मैक्सिमम 1/1/2018 तक होना चाहिए आपका। और उसके बाद जो आपका निवासी जो आपका होना चाहिए, आप यानी कि आप बिहार में किसी भी राज्य से रिलेटेड होंगे, निवासी होंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क यहाँ पे दिया हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त और आवेदक को छोड़कर, यानी SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे और जो फिजिकली हैंडीकैप है उन्हें कोई भी परीक्षा शुल्क जो है वो आपका नहीं लगेगा। उसके अलावा जो है आपके जो परीक्षा शुल्क है 200, जैसे जनरल OBC कैंडिडेट को 200 का आपका परीक्षा शुल्क लगेगा। इसका बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको ड्राफ्ट बनवाना होगा, BEPSSA और बेगूसराय पेएबल ऑफ बेगूसराय के पक्ष में आपको बनाना पड़ेगा ये DD। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका
यहाँ हम वरीयता भी देख सकते हैं कि किसको कौन सा पहला वरीयता दिया जाएगा। वार्डन शिक्षक क्या शिक्षा के लिए, लेखपाल के लिए, मुख्य रसोईया के लिए, सभी के लिए यहाँ पे निर्धारण किया गया है। तो वार्डन और शिक्षा के लिए पहला जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के साथ दो वर्षे का यानी बीएड और शिक्षा पात्रता परीक्षा मतलब टेट वेट पास किया होगा उन्होंने तो उसका पहले होगा। उसके बाद शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के साथ अप्रशिक्षित अभ्यर्थी का होगा। फिर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षित परंतु शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं उस अभ्यर्थी का होगा। फिर बिना शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी का होगा। तो यहाँ आपका रेफरेंस दिया होगा किस किस रेफरेंस से आपका सिलेक्शन होगा। लेखपाल के लिए बीकॉम उत्तीर्ण पहला होगा। फिर आपका दूसरा जो है बीकॉम की अनुपलब्धता में आईकॉम के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे आईकॉम के अभ्यर्थी को लिया जाएगा। और फिर मुख्य रसोई के लिए पहले मैट्रिक के वाले को लिया जाएगा। उसके बाद पंचम उत्तीर्ण यानी मैट्रिक वहाँ नहीं रहेगा तो आपके पंचम आपने 5th पास किया होगा तो आपको लिया जाएगा। और आदेश पाल और रात्रि पर जो प्रहरी है उनको साइकिल चलाने की जो है वो ज्ञान होना चाहिए, मतलब साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। तो ये आपका हो गया मतलब वरीयता का निर्धारण हो गया कि आपके क्या क्या रेफरेंस है। और जो आपकी परीक्षा जो है वो किस तरह की होगी उसे हम देख लेते हैं। जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा कैसा होगा, तो आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वार्डन सह शिक्षिका के लिए और अंशकालीन शिक्षिका एवं लेखपाल के पद हेतु आपके 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें आपका जो है 2-2 अंकों का यानी क्वेश्चंस होगा। 50 बहुविकल्प यानी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पदों में आपकी अंतर्वीक्षा जो है पदों के लिए नहीं ली जाएगी। और जो दूसरा है अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोईया और सहायक रसोई के लिए इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, बस 100 मार्क्स का आपका अंतर्वीक्षा ली जाएगी। मतलब आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप यानी ठीक से काम कर पाते हैं या नहीं उस चीज़ का, लिखित परीक्षा आपका नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका आवेदन पत्र जो है आपको डाउनलोड करना होगा, तो उसके लिए वेबसाइट www.bep.begusarai.org पे जाके फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, या फिर आप www.begusarai.bih.broadnik.in पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के A4 साइज़ पे आपको यानी कि पेपर में आवेदन करना है और आपके अपने हाथ से लिखना है, उसको कंप्यूटर के द्वारा लिखना नहीं है, उसको अपने हाथ से लिख के भेजना है। और आप यहाँ देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे आपको भेजना है, तो उसमें आपका सारा शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो आपको उसमें इंक्लूडेड करना है। जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जो भी आपके पास है सारा डिटेल आपको उसके साथ संलग्न करना है। 35 रुपये का आपको निबंधित डाक हेतु वहाँ पर उसमें लगाना है। और 2 लिफाफा स्व पता लिखा हुआ आपका सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ 2 लिफाफा के साथ 35 रुपये का आपका निबंधित डाक वहाँ पर टिकट लगाना है। उसके बाद जो है आपका यानी कि नाम उम सब चीज़ आपके पता होता अपना लिखने के बाद उसमें, और फ़ोटो वोटो चिपकाने के बाद आपको इस पते पे भेजना है। ये पता जो है आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान बिहार शिक्षा परियोजना बेगूसराय जिला परिषद भवन द्वितीय तल्ला बेगूसराय पिनकोड 8511001 के पते पर आपको स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के द्वारा हाथों हाथ जो है आपको साधारण डाक से ये आवेदन मान नहीं होगा। आपको हाथों हाथ नहीं भेजना है, आपको स्पीड पोस्ट करना है या निबंधित डाक से ही भेजना है। और जो आपका लास्ट डेट है आपका पहुंचने का जो है 2/11 यानी 2 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म वहां पे पहुंचा यानी कि अंतिम तिथि वहां का आवेदन प्राप्ति का है 5 बजे तक 2/11 तक, तो 2/11 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।